नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में 6 सूत्रीय मांगों के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसके क्रम में पथदेवा विधानसभा से समाज सेवी सुनील राव अपने हुजूम के साथ समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सुनील राव के कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि हमारा धरना सफल रहा। आपको बता दें कि पथदेवा विधानसभा में सुनील राव काफी चर्चा में हैं। एक रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में 6 सूत्रीय मांगों के साथ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के समस्त तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कृषि बिल जो पारित हुआ है उसके विरोध में, आए दिन हो रहे हत्या, लूट और बलात्कार के विरोध में समाजवादी लामबंद होकर प्रदर्शन में प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसके क्रम में पथरदेवा विधानसभा से समाज सेवी सुनील राव ने अपने हुजूम के साथ समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सुनील राव की कार्यकर्ताओं प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि हमारा धरना सफल रहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर इकट्ठा हुए, फिर जिलाध्यक्ष दिलीप यादव के नेतृत्व में पोस्टमार्टम चौराहे से सिविल लाइन होते हुए तहसील रोड गेट पहुंचे, जहां प्रशासन पहले से मौजूद थी और उनको गेट पर ही रोक दिया गया। नाराज सपाई वहीं तहसील गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। अपर पुलिस अधीक्षक व SDM सौरभ सिंह को जिला अध्यक्ष दिलीप यादव ने ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा उस उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाह योगी सरकार के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तहसील में राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने के लिए आह्वान किया गया था। इस पथरदेवा के अंतर्गत पथरदेवा विधानसभा में हम लोगों के नेता आदरणीय सुनील राव जी के निर्देश पर हम लोग, उनके प्रतिनिधि विपिन राव जी और उनके बड़े भाई राजेश राव जी के नेतृत्व में आज एक लंबी काफिला लेकर, नौजवानों के हुजूम को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जो 6 सूत्री ज्ञापन राज्यपाल के नाम से देना था, इसके लिए हम लोग पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए यहाँ इस तानाशाह भाजपा सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए तहसील पर आए हुए हैं। क्या मांगे नहीं पूरी होने पर फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? अगर हम समाजवादी लोगों की मांगे नहीं मानी गई इस गूंगी बहरी सरकार के द्वारा, तो हम लोग अब आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। या उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के बल पर समाजवादियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर नौजवानों के आवाज़ को दबाने का कुचक्र कर रही है, जिससे समाजवादी दबने वाले नहीं हैं। हम लोगों के इस पथरदेवा विधानसभा के नेता आदरणीय सुनील राव जी ने आह्वान कर दिया है कि समाजवादी नेताओं के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ अगर कहीं से फर्जी मुकदमे में फंसाया गया तो हम लोग ईट से ईट बजाने का काम करेंगे, इस प्रशासन को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। तहसील में जो पत्थर दिया गया किसानों का विरोधी बिल है, उसके खिलाफ और कोरोना काल में अव्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था, ये दो है। तीसरा है बेरोजगारी, नौजवान परेशान है बेरोजगारी की बात है, और ध्वस्त कानून व्यवस्था, कानून इतनी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है कि परेशान और निजीकरण, हर विभाग निजीकरण का काम चल रहा है, निजीकरण से समझिए कि वो बेच दे रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथ, इसको भी खत्म होना चाहिए। देश की राजनीति हो रही है, जिस समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता आज सड़क पर
परेशान है और उन्हीं के खिलाफ टारगेट बना करके ये एफआईआर दर्ज हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। और नेता हमारे जो है नेताओं को छून छून कर नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहा है। जैसे कि किसी एक का नाम बताएं आप, क्या जिसे मतलब चुनकर एक है, पूरे प्रदेश की बात है, आप एक पूछ रहे हैं, हम एक का बताएं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो जानदार नेता है, नौजवान है, किसी न किसी तरह से उनके खिलाफ एफआईआर करना, बिना किसी कारण के थाने में बैठाना, उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा करके जेल भेजना, ये शुरू है। कितना सूत्रीय ज्ञापन था सर ये आपका? कितना सूत्रीय ज्ञापन था? हमारा मेन तो 6 था जी। आप मोबाइल पर देखे होंगे जिसको मैं आपको नोट कराया जी। आप नोट नहीं किए? नहीं नहीं, आपके पास नोट करने 6 मेन है, बाकी तो नाना प्रकार का है जी। इतनी समस्या है, एक समस्या बता दीजिए जिसका समाधान, किसी वर्ग की समस्या का समाधान हो रहा हो। ये तो पूरे हर जगह गड़बड़ है, आप ही परेशान हैं, पत्रकारों की हत्या हो रही है। सही न्यूज छाप रहे तो पत्रकार मारे जा रहे हैं, पूछिए कौन जगह का पत्रकार, तो इतना आप नहीं जानते हैं तो गड़बड़ है क्यों? कौन है?